गोजिस चिकन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति क्या है? गोजिस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिति। जब भी आप गोजिस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मैथमेटिकल टर्म्स में कहते हो, यू से दैट बेटी क्लोज सरफेस इंटीग्रल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर का जो है, दिस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स अ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस। बेटे रिपीट करूंगा, बेटे मैं एक बार ध्यान दीजिएगा। आपने किसी सरफेस में कोई चार्ज एनक्लोज कर रखा है और उस चार्ज की वजह से कितना आपका फ्लक्स जो है उस सरफेस के साथ लिंक हुआ पड़ा है, दैट इज गिवन बाय योर गॉसियस थ्योरम। और जनरली वी से दैट बेटा क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दैट पर्टिकुलर सरफेस। बेटा इसके बेटा प्रूफ के रिगार्डिंग आप किस तरीके से प्रूफ कैसे कर सकते हो कि ये ई डॉट डी एस इसके बराबर होता है? इमेजिन कर लीजिए यहाँ पे आपने कोई चार्ज क्यू प्लेस कर रखा है और आपने इस चार्ज के राउंड अबाउट एक गॉसियन सरफेस बेटे जो है ये ड्रॉ कर दी। गॉसियन सरफेस का रेडियस जो है आपने स्मॉल आर इमेजिन कर रखा है और आपका बेटे जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है ये गॉसियन सरफेस के ऊपर आपने इमेजिन कर लिया ऑब्जर्वेशन पॉइंट। इफ दिस इज योर पॉजिटिव चार्ज तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है इट विल बी एक्टिंग अलोंग दिस पर्टिकुलर लाइन और अलोंग दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन बेटे। अब आपने क्या किया, फर्दर मोर यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट जो है ये इमेजिन कर लिया, इतना सरफेस एरिया इमेजिन कर लिया। इसका एरिया एलिमेंट सरफेस एरिया का जो है इसको आपने डी एस कह दिया। और बड़े ही ध्यान से देखेंगे जब मैं इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड बेटे उठा लेता हूँ, ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर जो है इन द डायग्राम आप देखिए, ये आपका ई डी एस एंड कॉस ऑफ एंगल 0 के बराबर आ जाएगा बिकॉज एक ही डायरेक्शन में ओरिएंटेड है ये। ऑब्वियसली इट विल बी बेटे यूर ई एंड डी एस सिंपली बेटे। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज दिस इज बेटे गिवन बाई 1/4πε0 एंड क्यू बाई आर का स्केयर एंड ऑफ कोर्स इंटीग्रल ऑफ डी एस आपके पास जो है बेटा इट विल बी इक्वल टू बेटा डी एस। आपके पास छोटा सा सरफेस एरिया था, आप उसको एस एच लिख दोगे बेटा। अब जो फैक्टर्स आपके इंटीग्रल से बाहर एडजस्ट किए जा सकते हैं आप इनको एडजस्ट कर लीजिए। सो इट विल बी 1/4πε0 एंड क्यू बाई आर का स्केयर इंटीग्रल रादर क्लोज इंटीग्रल डी एस का आ जाएगा बेटा। सो इट विल बी 1/4πε0 क्यू अपॉन आर का स्केयर इंटीग्रल ऑफ डी एस, ये पूरा सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा 4π एंड आर का स्केयर, 4π से 4π कट गया, आर स्केयर से आर स्केयर कट गया और आप देख सकते हैं यू आर लेफ्ट विद 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड। बड़ी इम्पॉर्टेंट बेटा सिचुएशन बन जाती है कई बार, वो आपको कह देते हैं कि एक हमारा चार्ज है कोई दिया हुआ आपको 1 कूलम का, आप उस चार्ज से कितना फ्लक्स जो है ओरिजिनेट होगा या कितना फ्लक्स वहां उसके साथ लिंक हुआ पड़ा है, वी इंटेंड टू कैलकुलेट दैट फ्लक्स। सो व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग दैट फ्लक्स योर फ्लक्स फाई इट इज बेसिकली ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर एंड इज 1/ε0 टाइम्स क्यू होता है। अब आप खुद इमेजिन कर लीजिए अगर आपका क्यू बेटे 1 कूलम है तो आप 1 कूलम को 8.85
10 रेस पर माइनस 12 से डिवाइड कर दीजिए, इट विल बी 1.13 इंटू 10 रेस पर 11, सो मेनी नंबर ऑफ लाइन्स विल बी लिंक्ड विद द चार्ज विच इज एनक्लोज इन द सर्फिस हैविंग रेडियस आर हैविंग द चार्ज क्यू ऑफ 1 कूलम एट द सेंटर बेटा. सो इन दिस वे बेटे आप इसको देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो. अब बेटे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के साथ रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, दैट इज द केस ऑफ ए स्फेरिकल शेल. बेटे आप किसी स्फेरिकल शेल की वजह से गॉज़ेस थ्योरम को यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो बच्चों निकालना चाहते हैं, तो हम किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकाल पाएंगे? आइए बेटे इस चीज को देखें. इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल बेटा. सो लेट अस कंसंट्रेट अपॉन दिस बेटा. इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. आपको एक स्फेरिकल शेल दे दिया गया है बेटा, और आइए देखें बेटे हम इस तरीके से ये सारे का सारा देख सकते हैं. आपको ये एक स्फेरिकल शेल दिया बेटा, और इस शेल का जो रेडियस है लेट इट बी कैपिटल आर, खाली है बीच में से स्फीयर. आपने इसको क्यू चार्ज दे रखा है, और आपने इस स्फेरिकल शेल के साथ रिलेटेड टर्म हमारा आएगा सिग्मा, दैट इज बेटे क्यू अपॉन 4 पाई एंड आर स्क्वायर के बराबर आएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी. आप इसको बेटे बोल दिया करते हो, दिस इज योर कोफिशिएंट ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी. तीन सिचुएशंस आपकी अराइज हो जाती हैं, जब आप अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट एट सम पॉइंट आउटसाइड दिस स्फेरिकल शेल ले रहे हो. एक सिचुएशन बेटा ये बन जाएगी, जब आपने अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है यहाँ पे ले रखा है, दिस इज योर ऑब्जर्वेशन पॉइंट, और आपका ऑब्जर्वेशन पॉइंट जो है इस पे व्हेन वी विल बी ड्रॉइंग द गॉसियन सरफेस इट्स हैविंग अ रेडियस स्मॉल आर, और यहाँ पे आप अपना एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन कर सकते हो. ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ई इस तरफ था, और ये आपका बेटा जो डी एस है इट इज ऑल्सो ड्यू टू दिस सरफेस चार्ज एलिमेंट, ये भी इसी डायरेक्शन में डायरेक्टेड है. अब आप क्या करिए, यहाँ पे गॉसियस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए. आपके पास आ जाएगा ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर, इट इज 1/ε0 टाइम्स द चार्ज एंड क्लोज बेटा. बड़े ध्यान से देखिएगा, ई और डी एस आपका सेम डायरेक्शन में है. सो आप जब इनको सेम डायरेक्शन में ले रहे हो तो इट विल बी ई डी एस कॉस 0 कर लोगे, एंड इट इज इक्वल टू बेटा 1/ε0 टाइम्स क्यू आ जाएगा जी, एंड कॉस 0 विल बी नथिंग बट विद यूनिटी, एंड वी विल हैव ई एंड दिस इज डी एस, इट इज 1/ε0 टाइम्स क्यू बेटा, एंड इट्स विद ई इंटीग्रल ऑफ दिस डी एस. ये पूरे का पूरा आपका अब सरफेस एरिया इन्वॉल्व हो जाएगा, बिकॉज रेडियस स्मॉल आर है तो सरफेस एरिया विल बी बेटे 4π r² का स्केयर हो जाएगा. सो दिस इज 4π एंड r का स्केयर, इट इज q/ε0 बेटा, और आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी एट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विच यू हैव चोजन टू बी आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, दिस इज 1/4π ε0 एंड q/r का स्केयर आ गया. अगर आप इस फॉर्मूला को इस
राइट हैंड साइड ऑफ द एक्सप्रेशन को ध्यान से देखें, आपको ये एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगेगा देखने में। इसका बच्चों डायरेक्टली मीनिंग ये हुआ कि व्हेन द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज टेकन आउटसाइड द स्फेरिकल शेल, देन वी से दैट कि ये जो स्फेरिकल शेल है ये इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के लिए एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, आप अपने इस पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हो इस स्फेरिकल शेल की सरफेस के ऊपर। इन दैट केस आपका जो स्मॉल आर है इट विल बिकम इक्वल टू कैपिटल आर एंड ई विल बी देन 1/4 pi epsilon naught एंड क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्केप हो जाएगा बेटा। और देखिए क्यू आप यहां से निकाल के सब्स्टिट्यूट कर सकती हो, आपने सिग्मा ऑलरेडी निकाल रखा है और क्यू फिर आपके पास आ जाएगा 4 pi r square into sigma और यहां पे आप यही क्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा बेटा, ये आपके पास आ जाएगा 1/4 pi epsilon naught बेटा एंड इट इज 4 pi r square into sigma डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का स्केयर, ये कैपिटल आर स्केयर एंड 4 pi आपका थ्रू आउट कैंसल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी विल बी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको बेटे रिलेशनशिप को जरा एनालाइज करिएगा ध्यान से, इसमें सिग्मा भी कॉन्स्टेंट है एप्सिलॉन नॉट भी कॉन्स्टेंट है, इसका डायरेक्ट मीनिंग बच्चों ये हुआ कि जब आप अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ऑन द सर्फेस ऑफ द स्फेरिकल शेल ले रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट आ रही है, वो बदल ही नहीं रही है, ये फिक्स वैल्यू है उसकी, ये किसी भी पैरामीटर पर फर्दर डिपेंडेंट नहीं है। और थर्ड सिचुएशन बेटे अराइज होती है जब आप अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट इसके इंटीरियर में ले लेते हो, अंदर ले लेते हो इस स्फेरिकल शेल के, तो आइए देखें वहां पे हमें किस तरीके से सॉल्व करना होगा। उस केस में बेटे आपके पास आ जाएगा ई वैक्टर डॉट डी एस वैक्टर 1/0 टाइम्स चार्ज एनक्लोज। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट को इंटीरियर ऑफ द ये स्फेरिकल शेल में ले गए हो, यहाँ पे तो कोई चार्ज एनक्लोज है ही नहीं है, चार्ज आपका जीरो है, तो आपका राइट साइड जीरो हो जाएगा, इट विल मीन दैट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी भी यहाँ पर जीरो के बराबर आपको मिल गई है। सो बेटा इन दिस वे आप अपने ये कॉन्टेंट को अलॉन्ग विद द ग्राफ भी इंडिकेट कर सकते हो कि ग्राफिकली इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बेटा कैसे वेरी हो रही है। आइए जरा कंसंट्रेट करके देखें, आपने ये आर इस तरफ लिया राइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल सॉरी स्फेरिकल शेल, इन एक्सिस पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ली, जब तक आप सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल से इस सरफेस तक नहीं रीच कर जाते, नहीं पहुंच जाते, इसके अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इट विल मीन दैट आपका ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा अप टू द सरफेस, आर इज इक्वल टू आर, और यहाँ पे एकदम से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी इतना हो जाता है, बढ़ जाता है, और उसके बाद ये आपका इनवर्स डिपेंडेंस है डिस्टेंस के ऊपर, और आप अपने ये वाले पार्ट ऑफ द ग्राफ को कह सकते हो कि इतने हिस्से में इनवर्सली डिपेंडेंट है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट है और इतने हिस्से में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बच्चों जीरो है बेटा। सो इन दिस वे बेटे आप अपना ये सारे का सारा डिस्कशन कंप्लीट कर सकते हैं। सो बेटे डियर चिल्ड्रन, सुप्रिया, मानविया, भव्या एंड अभिनव, देन अभिनव के बाद वंशिका, अभी उपल एंड किसी भी बच्चे को बेटे कोई पॉइंट ना पता चला हो तो बता दीजिए बेटे, सो दैट दैट कैन बी रिपीटेड। एनीवन फ्रॉम योर साइड बेटा, कोई बात ना पता चली हो सारे स्टूडेंट्स को बेटे, सारे बच्चों को पता चल गया बेटे, गुड नाइस बेटा, ओके जी ओके, ठीक है बेटे, चलिए फिर बेटे आगे चलते हैं। ये बेटे आपके पास था स्फेरिकल शेल का कंसेप्ट,
कई बार बेटी हम बात करते हैं चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर की, अगर आपके पास स्फेरिकल शेल की जगह पर सॉलिड स्फीयर हो जाए चार्ज जिसको आपने दिया हुआ है, देन बेटे व्हाट टाइप ऑफ ट्रीटमेंट वी विल बी मेकिंग फॉर दिस ऑल, लेट्स बेटे कंसंट्रेट अपॉन दैट एंड लेट अस स्टडी दैट रादर। बेटे आइए देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की जगह पर अब आपके पास आ गया सॉलिड स्फीयर का, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर। बेटे इमेजिन कर लीजिएगा आपको एक ये बेटे सॉलिड स्फीयर दे रखा है, अब ये बच्चों बीच में से मिडल में से खाली नहीं है, इट इज ऑल फिल्ड। जैसे आप शॉर्ट पुट गेम में फिजिकल एजुकेशन पीरियड में गेम खेला करते हैं, शॉर्ट पुट थ्रो किया करते हो आप, इट इज जस्ट लाइक दैट। कोई भी इसका जो स्पेस का पार्ट है वो खाली नहीं है, सारा ये फिल्ड पार्ट है बेटा, और आपने ऐसे इसको मैनेज कर रखा है। इसका जो रेडियस है ये आप कह दीजिए कैपिटल आर के बराबर है, और आपने इसको कुछ चार्ज सप्लाई कर रखा है स्मॉल क्यू के बराबर, चार्ज आपने इसको बेटे दे रखा है। अब डियर चिल्ड्रन, बिकॉज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट है, आपका जो रो है इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4/3 पाई आर क्यूब आ जाएगा जी बेटे, और रो आपके पास आ जाएगा 3 q/4 π/r³, ये आपका कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बेटे आपको मिलेगा। अब हम क्या करते हैं अपना ऑब्जर्वेशन पॉइंट बेटे, पहले तो आउटसाइड दिस सॉलिड स्फीयर यहाँ पे इमेजिन कर लेते हैं, इसका रेडियस स्मॉल आर कह देंगे बेटा, और बड़े ध्यान से देखिएगा ये आपका जो है गॉसियन सरफेस बेटे इसके लिए बन जाएगा इन दिस मैनर। आपने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर एक छोटा सा एलिमेंट इमेजिन किया जिसका एरिया डी एस के बराबर है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है ड्यू टू दिस सॉलिड स्फीयर इट इज आउट डायरेक्टेड बेटे। सो डियर चिल्ड्रन, अगर हम गॉसियन थ्योरम अप्लाई कर देते हैं, we will say that E dot ds it is 1/ε₀ times q हुआ करता है, और आप यहाँ पे देखिए ये दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, so you will say that E ds cos 0 closed surface integral it's q/ε₀, and we will say that E ds q/ε₀, E can be taken out, इंटीग्रल ऑफ दिस डी एस इट्स q/ε₀, और बच्चों डी एस का इंटीग्रल ये सरफेस एरिया आ जाएगा, इट विल बी ई इंटू 4π/r² का स्क्वायर, इट इज q/ε₀, एंड ये ई अब आपके पास बेटे बन गया 1/4π/ε₀, एंड q/r² आपका जो ये सॉलिड स्फीयर है इट विल जस्ट बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज फॉर द ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी विच इज टेकन आउटसाइड दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। बेटे बड़ी जरूरी बात अब बन जाती है, जब आप अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को बेटा ऑन द सरफेस ऑफ दिस सॉलिड स्फीयर शिफ्ट कर देते हैं, उस केस में आप इस स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस कर देंगे बेटा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी जो है इट्स 1/4π₀ क्यू अपॉन कैपिटल आर का स्क्वायर आ जाएगा, एंड बेटे डियर स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्यू निकाल कर सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा यहाँ पे। सो यहाँ देखिए आपके पास कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, यहाँ से आपने क्यू निकाल लिया, क्यू बन गया जी 4/3 पाई कैपिटल आर का क्यूब इंटू रो, और इस क्यू को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ई आपके पास आ गया 1/4π₀ एंड इट इज 4/3 पाई
पाई आर क्यूब इंटू रो, डिनोमिनेटर में ये आर स्क्वायर पड़ा रहेगा एस सच बेटा। ये 4 पाई से 4 पाई आपका कट गया, आर का क्यूब है ये स्क्वायर है, एक ही आर बचेगा न्यूमिनेटर में और बाकी के सारे फैक्टर्स आपके ऐसे ही एडजस्ट हो जाएंगे। दिस इज आर इंटू रो अपॉन 3 एप्साइलन नॉट। बड़े ध्यान से देखेंगे इस फैक्टर को, इस रादर फॉर्मूला को। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैपिटल आर पे डिपेंडेंट है कि आपका स्फीयर कितने बड़े रेडियस का था, रो पे डिपेंडेंट है, 3 पे डिपेंडेंट है, एप्साइलन नॉट पे डिपेंडेंट है। और बेटे ये सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स हैं, इट विल मीन दैट कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है एट एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस ऑफ दिस यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर दिस इज गोइंग टू बी कॉन्स्टेंट, और वो कॉन्स्टेंट आपने निकाल लिया। अब बेटे आप अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट कर दीजिए, इसके अंदर स्मॉल आर डैश का आप इसको बोल दीजिए रेडियस है इसका, यहाँ से डिस्टेंस है ये वाला, और इसके लिए आपका गॉसियन सरफेस ये बन जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आउट डायरेक्टेड है, और यहाँ पे आपने एक छोटा सा गॉसियन सरफेस भी इमेजिन किया डी एस, इसका बेटे एरिया वेक्टर या स्मॉल एरिया वेक्टर हो जाएगा। अब हमें देखो पुत्र, हमें पहले निकालना पड़ेगा कि इतने स्फीयर में चार्ज कितना है। आपने कोफिशियंट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑलरेडी निकाल रखा है, अब आपका स्फीयर छोटा हो गया, अंदर चले गए आप स्फीयर के, तो क्यू डैश चार्ज आपका जो होगा इट विल बी इक्वल टू बेटा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम रो, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ दिस स्फेरिकल अरेंजमेंट इन द फॉर्म ऑफ द गॉसियन सरफेस, दैट इज 4/3 πr² का बेटे क्यू। आइए मैं वैल्यूज अगर पुट कर दूं, मेरे पास क्यू डैश आ जाएगा बच्चों 3 × q अपॉन 4 π R³ का क्यूब, दिस इज 4/3 πr² का क्यूब, 4 π से 4 π कट गया, 3 से 3 कट गया, क्यू डैश आपके पास आ गया स्मॉल क्यू इंटू आर डैश का क्यूब डिवाइडेड बाई कैपिटल आर का क्यूब। और अब हम बेटा गॉसियन थ्योरम या गॉसिस थ्योरम इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे जो कि आपका सॉलिड स्फीयर के अंदर है वहां पे अप्लाई करने वाले हैं। आइए देखें व्हाट वी विल बी हैविंग। वी विल बी हैविंग क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, इट इज बिटे क्यू डैश बाई अपसाइलन। अब अपसाइलन नॉट नहीं लिखना, आप एयर में नहीं है, आप मीडियम में हैं, मीडियम का अपसाइलन लिखना पड़ेगा आपको। तो ये आपके पास आ जाएगा ई डी एस cos 0 क्लोज सरफेस इंटीग्रल क्यू डैश बाई एप्साइलन, cos 0 इज जस्ट 1, तो आप लिखोगे ई एंड क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस डी एस इट्स क्यू डैश बाई एप्साइलन। इधर सॉल्व कर देता हूँ बेटे मैं, ध्यान दीजिएगा। सो यू विल हैव ई, अब बेटे देखो जब आप इतना डी इस इतने स्फीयर का डी एस निकालोगे इट विल बी योर 4 π r² का स्क्वेयर आएगा, एंड बाकी क्यू डैश आपका ऑलरेडी निकाल चुकी हो, इट इज क्यू आर डैश का क्यूब अपॉन कैपिटल आर क्यूब, वो एप्साइलन नीचे ऐसे ही रह गया। ये देखिए आर डैश का स्क्वेयर है, ये पावर 3 है, एक पावर रह गई, और ई आपके पास बेटे फिर क्या बन गया जी 1/4 πε, एप्साइलन नॉट नहीं अब आएगा, एंड इट इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर का क्यूब वैसे ही रह गया, और ये एक आर डैश आपके पास बचा पड़ा था। तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आर डैश पर बच्चों डायरेक्टली डिपेंडेंट है। ये रिलेशनशिप हमें कह देता है कि जब हम सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं तो सॉलिड स्फीयर के केस में बेटा आपका इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी 0 नहीं है, जैसे आप स्फेरिकल शेल में 0 आपने प्रूव कर दिया था कि स्फेरिकल शेल
क्योंकि उसके अंदर खाली है, उसने कोई चार्ज एनक्लोज नहीं किया कि यहाँ पे हमने जीरो ले लिया था क्यू की जगह पर, तो हेयर वी कांट टेक दैट एज जीरो। और आपके पास बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन बन जाया करता है, और ये एक्सप्रेशन बेटे है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का। ये तीनों को अब आप बेटे इन दी फॉर्म ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन बनाकर शो कर सकते हैं। सो लेट्स कंसंट्रेट अपॉन द ग्राफिकल वेरिएशन ओवर हियर। आप वर्टिकल एक्सिस के अलोंग बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ई अज्यूम करेंगे, अलोंग द हॉरिजॉन्टल दिस इज योर स्मॉल आर, राइट फ्रॉम द ओरिजिन अप टू द डिस्टेंट पॉइंट बेटा, बिकॉज व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इंटीरियर ऑफ द सॉलिड स्फीयर बेटे बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपका डायरेक्ट डिपेंडेंस है रेडियस के साथ। तो आप डायरेक्टली ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर दोगे और इसमें लिख दोगे कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी है डायरेक्टली आर पे डिपेंडेंट था, एंड हेयर आर इज इक्वल टू कैपिटल आर, और यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी ई जो है इट इज रो कैपिटल आर अपॉन थ्री एप्सिलॉन नॉट बन गया। इसके बाद आपका वही इनवर्स जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस वेरी करेगा। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ द ग्राफिकल वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दिस केस। बेटा ब्रीफली बेटा मैं सारे स्टेप्स को एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा। सॉलिड स्फीयर एंड स्फेरिकल शेल दोनों कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। सॉलिड स्फीयर का स्फेरिकल शेल के साथ अगर कंपैरिजन करें तो इसका ये पार्ट डिफरेंट हो जाता है। इतने हिस्से में यहाँ पे बेटे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है वो नॉन जीरो है, शेल के केस में जीरो थी। और यहाँ पे एक और मेजर फर्क ये है कि बिकॉज ये आपका सॉलिड स्फीयर है तो अंदर से तो खाली है नहीं बेटा ये, और अगर ये अंदर से एम्प्टी नहीं है, इसका बेटे जो चार्ज है आप उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वाला कंसेप्ट अप्लाई करके आगे चलोगे, रो निकालोगे, एंड वंस वी गेट द रो कैलकुलेटेड वी विल बी सब्स्टिट्यूटिंग दैट इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द चार्ज ऑन द इंटीरियर पार्ट ऑफ दिस गॉसियन सरफेस एज सच। सो इस तरीके से बेटे आप ये सारे का सारा कर सकते हो। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत वाली बात है तो बता दीजिए, मैं रिपीट कर देता हूँ बेटा। अवि, गुंजोत, वंशिका, अभिनव, और स्क्रॉल क्यों नहीं हो रहा, देन बेटा हाँ जी बेटे सुप्रिया, मानविया, क्षितिज, भव्या, अभिनव, सारे स्टूडेंट्स बेटा, वंशिका, गुंजोत, अभी उपल, किसी भी बच्चे को बेटे कोई डाउट है तो बताइए, सो दैट की दैट कैन बी रिपीटेड बेटा। ओके बेटे नाइस, थैंक यू ऑल बेटा। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द डे बेटे, थैंक यू ऑल बेटे, थैंक यू बेटे, थैंक यू।